Assalamualaikum class 6, how are you all? Hope you all are fine. I am Ms. Tabiha, your maths teacher, and today we are going to start our chapter mensuration volume unit number 15. So open your book page number 194. Volume से पहले हमने जो chapter अपना किया था complete वो हमारा था area का, ठीक है? Area और volume का formula ऑलमोस्ट सेम है, एक डिफरेंस है सिर्फ एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले में कि एरिया हम टू डी शेप्स के लिए निकालते हैं और वॉल्यूम हमें थ्री डी शेप्स के लिए चाहिए होता है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू डी एंड थ्री डी शेप्स? टू डी शेप्स आर फ्लैट शेप्स एंड थ्री डी शेप्स वो होती हैं जिनकी थ्री डायमेंशन होती हैं, यानी थ्री डायरेक्शन होती हैं. कौन कौन सी? लेंथ, ब्रेथ और विड्थ, ठीक है? तो अब हम करते हैं इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला आज के लेक्चर में, कि इसकी डेफिनेशन क्या है वॉल्यूम की और फार्मूला क्या है. तो अपनी कॉपी ओपन करें और जो कॉपी पे डेफिनेशन और फार्मूला लिखा है वो आपने अपना कॉपी वर्क कंप्लीट करना है. ओके, सबसे पहले आप बनाएंगे अपना टाइटल पेज अच्छा सा, यूनिट 15 मेंसुरेशन वॉल्यूम. उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे, बट उससे पहले आप लिखेंगे क्लास वर्क एंड डे और डेट आप वो मेंशन करेंगे जो आपको वीडियो पैकेज के साथ गिवन होंगे. वॉल्यूम, वॉल्यूम इज़ द स्पेस विच अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज. ओनली थ्री डी ऑब्जेक्ट्स हैव वॉल्यूम. जो अभी मैंने बताया आपको, वॉल्यूम भी आपकी क्या है? स्पेस है जो कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है. बट वॉल्यूम हम किस, कौन सी शेप्स का मेजर करते हैं? जो थ्री डी शेप्स होती हैं जिनकी थ्री डायमेंशन होती हैं. और एरिया हम कौन सी शेप का मेजर करते थे? जो टू डी शेप्स होती हैं जिनकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, जिसकी टू डायमेंशन होती हैं. यूनिट क्या है वॉल्यूम का? क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है? क्यूबिक सेंटीमीटर. क्यूब क्यों हुआ? क्योंकि इसकी थ्री डायमेंशन हैं, थ्री लेंथ्स हैं. अगर आप सेंटीमीटर 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 को मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो मीटर हो या सेंटीमीटर हो, तो उसके ऊपर आपका क्या आ जाएगा? क्यूब. एरिया का यूनिट क्या था? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? वी इज़ फॉर वॉल्यूम, एल इज़ फॉर लेंथ, बी इज़ फॉर ब्रेथ एंड एच इज़ फॉर हाइट. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इन तीन चीज़ों से मिलके बनता है. आपका वॉल्यूम कब निकलता है? जब आपके पास ये तीन चीज़ें गिवन. क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला? V इज़ इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच. तो ये आज का आपका वॉल्यूम की एक छोटी सी डेफिनेशन थी, इसका फॉर्मूला था जो आपको लर्न करना है, आपको याद करना है. आपको वॉल्यूम का और क्या कहते हैं, एरिया का, पेरीमीटर का कंपेरिजन भी पता चल गया कि वॉल्यूम हम टू डी शेप्स के लिए यूज़ नहीं करते, हम वॉल्यूम थ्री डी शेप्स के लिए यूज़ करते हैं और एरिया हम सिर्फ टू डी शेप्स के लिए यूज़ करते हैं. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम एंड एरिया, एंड दैट्स ऑल टुडेज. अल्लाह हाफ़िज़.